तो बस ये हम लोग का लास्ट टॉपिक इस सिलेबस का, मेट्रिसेस. बहुत इजी टॉपिक, इसमें बस एक दो चीज़. ठीक है, आई विल लास्ट लास्ट क्लास अपलोड नहीं हुआ है, हो जाएगा. ठीक है, तो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स, बस इसमें एक दो चीज़ ही न्यू है, बाकी सब चीज़ पुराना है जैसे नॉर्मल मेट्रिसेस हम लोग की है. जल्दी से बोलो क्या होते हैं मेट्रिसेस. बोलो, कौन बोलेगा? कुछ तो बोलो, कोई नहीं पता. अच्छा ठीक है, मान लिया नहीं पता. चलो, मेट्रिसेस इज बेसिकली एन एरे ऑफ नंबर्स. एक टेबल फॉर्म में होता है, रोज कॉलम्स. तो अगर सपोज माइनस वन है, ये वाला इतने सारे माइनस वन है, रुक जाओ. सपोज थ्री है, थ्री एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का. मान लो मैट्रिक्स ए, इसका एलिमेंट है थ्री. हर एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं बाय द लेटर ए या फिर आई, कुछ भी करो. बट हम लोग को कैसे पता चलेगा पोजीशन कौन सा है? रो बाय कॉलम. थ्री कौन सा रो में है? फर्स्ट रो में है और कॉलम. तो जैसे आई वन थ्री या फिर ए वन थ्री लिखा जाएगा, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर थ्री, क्योंकि वो इस इंटरसेक्शन पे आके मिलता है. हमेशा कुछ भी होता है, इट इज़ ऑलवेज रो इनटू कॉलम. ओके, तो ये तो हुआ बेसिक. अच्छा मेरे को बताओ सेवन का क्या होगा, जल्दी से. थ्री थ्री, ये तो हो गया. अब मैट्रिसेस का एडिशन. मैट्रिसेस कितना भी रोज कितना भी कॉलम्स हो सकते हैं. टू बाय थ्री मैट्रिक्स भी हो सकता है. टू बाय थ्री मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? दो रो होंगे और तीन कॉलम्स होंगे, राइट? दिस इज अ टू बाय थ्री मैट्रिक्स. अब मैट्रिसेस पे हम लोग अगर बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाए, तो मान लो जैसे इसके साथ नहीं, कोई दूसरा है. आने लो सारा काम इनके साथ ही करेंगे. सब नालायक, सिर्फ एक पार्थ ठीक है जो कैमरा ऑन कर लिया अपना. बोलो, ए प्लस बी, हम लोग यहाँ पे टू मेट्रिसेस को ऐड करें. जब मेट्रिसेस को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देर आर नो कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, ओनली कंस्ट्रेंट इज कि मैट्रिक्स का साइज सेम होना चाहिए. मतलब यू कैन ओनली ऐड, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स m इंटू n का है, तो सेकेंड मैट्रिक्स को भी m इंटू n का होना होगा. ओनली सच मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. तो अगर b इंस्टेड ऑफ दिस, इफ b वुड हैव बीन, तो इसको हम लोग नहीं ऐड कर सकते थे, क्योंकि ये 2 इंटू 2 है, बट दिस वॉज अ टू बाई थ्री. तो वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट द टू. और कैसे करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन? हर एलिमेंट को हम लोग को पता है जितना एलिमेंट्स ए फर्स्ट मैट्रिक्स में होगा, उतना ही एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स में भी होगा. तो एवरी सिंगल कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इंडिविजुअली वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट. तो अगर यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? थ्री प्लस फोर, वन प्लस माइनस टू. साइन ये याद रखना कि साइन इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द नंबर. तो वन माइनस टू है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वन प्लस टू करो, इट विल बी वन माइनस टू ओनली, विच इज माइनस वन. बताओ और क्या होगा? और ये, और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे बताओ?
अब देखो, एडिशन में ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, एक ही बात है। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक माइनस साइन हम लोग को लेना होगा। मतलब कि अगर बी माइनस ए करेंगे इंस्टेड, तो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई द इंटायर रिजल्टिंग मैट्रिक्स बाय माइनस वन, राइट? चेक करके देख लो, बी माइनस ए अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, फोर माइनस थ्री, तो इसको इक्वल करने के लिए बाहर में एक माइनस लेंगे। इससे एक और प्रॉपर्टी आता है कि मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय एनी स्केलर क्वांटिटी। तो मतलब अगर हम लोग के पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को अगर हम लोग लेट्स से 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 5। एंड यहीं अगर 1 बाय 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एवरी एलिमेंट विल गेट डिवाइडेड बाय 5। क्लियर? क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, ये नहीं। जल्दी से मेरे को करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। सब करो अपने अपने कॉपीज में। जीरो, बाकी लोग करो, नहीं तो वो जीरो नहीं तो क्या? ये आ रहा है सबका? बोलो पार्थ। माइनस फोर बाय सिक्स, तो माइनस टू बाय थ्री कोई कॉमन ले लो। सम रिड्यूस करके नहीं दिया, हम लोग तो हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में काम करेंगे। ठीक है, माइनस टू बाय थ्री कॉमन अगर लेते हैं तो
बाकी लोग का क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बाकी लोग का? किसी को और कुछ आ रहा है? 5, 4 3 होगा। इसको करने का 2 वेज है। एक है कि अगर स्ट्राइक नहीं करे तो सीधा ये 2 मेट्रिसेस बन गया, ये 2/3 ए है और ये 4/6 भी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दूसरा क्या है, 2/3 को अगर हम लोग कॉमन निकाल लें तो वी विल बी लेफ्ट विथ ए माइनस बी, और ए माइनस बी हम लोग ऑलरेडी ऊपर निकाल लिए। यहाँ पे पार्थ ने -2/3 कॉमन लिया तो बी माइनस ए, ये देखो ये बी माइनस ए है और ये बी माइनस ए है। समझ में आया सबको? एक बार तुम अपना कैलकुलेशन चेक करो कि तुम लोग का ये वाला 5 या 4 क्यों आ रहा था एंड वाई नॉट 3, क्योंकि ये होगा तो 3। चेक करो जल्दी से कि कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। आया किसी का 3 आया? -2 आ रहा है ना, और ये -2/3 हम लोग बाहर लिए हुए कॉमन, तो अंदर में अगर -2 है, एक सेकेंड, हाँ कुछ और होना चाहिए, रुको, नहीं बताना तो यही चाहिए, माइनस तो -2 आ रहे हैं, हम लोग ये -2/3 कॉमन लिए हैं, हाँ तो अगर अगर इसको अंदर ले जाए तो -2/3 × 3 तो -2 ही तो आ रहा है आंसर। ये वाला जो आंसर है ये -2/3 बाहर लिया हुआ है। अब अगर तुम लोग बिना कॉमन लिए वाला भी लिख रहे हो देन इट विल कम -2/3 -2/3 ये होगा ऐसे आएगा। ये वाला सबका आ रहा है? मतलब जब कॉमन लोगे तब मेक श्योर कि अगर तुम लोग 2/3 बाहर निकाल रहे हो देन यू हैव टू डिवाइड ईच एलिमेंट बाय 2/3, ठीक है? एंड अगर स्केलर, 2 चीज होता है, एक होता है स्केलर को कॉमन निकालना बाहर, उसमें तुम लोग को हर एलिमेंट को डिवाइड करना होगा स्केलर से। अगर सपोज ये ए सेट में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि आंसर विल कम समथिंग लाइक दिस, नहीं मान लो ऐसा कुछ आएगा, एबीसी के टर्म्स में था और ऑप्शंस में ये मैट्रिक्स नहीं था, ऑप्शंस में क्या था? ऐसे कुछ था ऑप्शंस में, तो क्या किए इन लोग, ए को कॉमन निकाल लिए बाहर, तो ए बी सी से जब ए को कॉमन निकाले बेसिकली व्हाट दे डिड, दे डिवाइडेड ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय ए। तो अगर यहाँ अंदर में अगर डिवाइड करोगे तो बाहर में एक मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक 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 करके चलते हैं, जो न्यूमरेटर में करेंगे सेम चीज़ डिनोमिनेटर में करना होगा. सो इफ़ यू आर डिवाइडिंग टू मेंटेन द इक्वालिटी यू हैव टू मल्टीप्लाई. तो ए को इन मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे सिंस कोई ए नहीं था सो दे जस्ट रोट इट एज ए इनवर्स बी सी. ठीक है, समझ में आया? ऐसा ही सम थोड़ा सा और था उसमें, इट वॉज अ 3x3 मैट्रिक्स, बट ये लॉजिक समझना ज़रूरी है कि यू हैव टू डिवाइड इट. एंड अगर बाय चांस डिविजिबल नहीं भी है तो ऐसे ए इनवर्स करके आएगा. क्लियर? हो सकता है कि तीन से निकले कॉमन, बट फोर्थ वाले से कॉमन नहीं निकल रहा है, तो इसमें बस ए इनवर्स एक ठो मल्टीप्लाई कर दो. ओके जा क्लियर है ये. अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है, किसी को याद है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या होता है? ऑर्डर सेम होना चाहिए. किसका रो किसका कॉलम? अगर फर्स्ट ए है और सेकंड बी है, पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम. हाँ, तुम भी सेम बोल रहे हो. तो अगर ए इज एम इंटू एन, देन दिस हैज टू बी एन इंटू क्यू. ये जो है ये सेम होना चाहिए हमेशा. कभी भी हम लोग बी ए नहीं निकाल सकते इफ एम इज नॉट इक्वल टू क्यू. राइट? चलो, ये तो याद है कि फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. अब करते कैसे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? वही वाला ए एंड बी को अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, या फिर रुको दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल. This is 3x3 and this is 3x1. तो हम लोग बी ए नहीं निकाल सकते लेकिन ए भी निकाल सकते हैं. तो कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? रो इंटू कॉलम. अच्छा, एक और चीज़, जो आंसर आएगा, जो रिजल्टिंग मेट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? कैसे आया 3 into 1? ये वाला मैं बताओ एक बार, वेरिएबल्स के साथ में बताओ. जो रिजल्टिंग होगा दैट विल बी m into q, फर्स्ट वाले जितना रोज होगा एंड सेकेंड वाले जितना कॉलम्स होगा. ओके तो यहाँ पे 3x1 का आएगा, तो 3 rows and 1 column. अब हम लोग भरेंगे कैसे, मतलब बेसिकली हम लोग को 3 numbers चाहिए, 3 entries है फिल करने के लिए. हम लोग जाएंगे रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ऐसे करके जाएंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे और कॉलम एक ही है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. अब कैसे करेंगे, रो में भी मतलब इसमें भी, अब अंदर में भी 3 numbers हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे. 0 को फर्स्ट एलिमेंट है, 1 से करेंगे तो 0 into 1 करेंगे. फिर 2 सेकेंड एलिमेंट है और यहाँ पे 2 सेकेंड एलिमेंट है. -3 है
और माइनस वन है, तो क्या आएगा, फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन ही आएगा। देखो एक बार, रुको मेरे को आंसर देख लेने दो। समझ में आया कैसे करने, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, और क्या करेंगे, हर रो इंटू कॉलम के केस में कॉरेस्पॉन्ड करेंगे फर्स्ट एलिमेंट रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक टर्म, फिर ऐड करेंगे सेकेंड एलिमेंट रो का सेकेंड एलिमेंट कॉलम का, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ऐसे करके जब पूरा रो इंटू कॉलम ख़त्म हो जाए हम लोग बिठा देंगे वहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या होगा बताओ, एक बार ब्रेकअप करके बताओ, सेवन है ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये, ऐसे आई नो कि हर इंसान का ये चीज किया हुआ है, इट इज मोर लाइक अ रिविजन राइट नाउ, बट समझ में आ रहा है, याद आ रहा है कैसे करना है। थर्ड एलिमेंट बताओ, कोई और बताओ, अच्छा भूमिका ऑलरेडी बता चुकी लगता है, सब देखो 11 आ रहा है कि नहीं, खुद से करके देखो एक बार जल्दी से, 11 आएगा, कुछ नहीं, 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, क्लियर है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आज सच कुछ होता नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को दिखा कि बहुत ही कंस्ट्रेंड होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखते ही पता चल जाता है कि एकदम सेम डिट्टो दिखता है ऑर्डर, तो हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं। दूसरा बात, इवन इफ इट इज द सेम, मतलब मान लो ए इज 2/2 एंड इवन बी इज 2/2, तो हम लोग ए भी निकाल सकते हैं एंड बी ए भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना अलाउड है हम लोग को यहाँ पे। बट जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या सेम आंसर आएगा, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं आएगा सेम आंसर, क्योंकि तब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ईजियर होगा, 3 1 सेमी मेट्रिसेस को यूज़ करते हैं। जल्दी से मेरे को ए बी और बी ए निकाल के बताओ, सब लोग करो, 2/2 है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भूमिका साइंस चेक करो एक बार जल्दी से, चेक करो, जैसे ना आपका नहीं है सेम, इसी कारण से कि बिल्कुल ही कुछ अलग है,
ओ लेकिन आंसर तो बोलो कितना है। वापस से। सबका ही आ रहा है। तो ये तो हम लोग एस्टैब्लिश कर दिए कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिपेंड करता है, इसका एक टेक्निकल टर्म है, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, बट वो जानने का हम लोग को ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। तो अब क्या होता है, आप कौन सा मैट्रिक्स को पहले लिख रहे हो, कौन से वाले को बाद में लिख रहे हो, इट मैटर्स। तो अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ए सेट का एक क्वेश्चन लेते हैं, अब देखो अगर ऐसा कुछ हम लोग को नॉर्मल नंबर्स के साथ या एलजेब्रा में अगर आता तो हम लोग कुछ भी कर सकते थे। मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू बी है तो हम लोग को पता है कि हम लोग को ए को सब्जेक्ट बनाना, तो मतलब हम लोग को बी से डिवाइड करना है, राइट। ये हम लोग को पता था। तो हम लोग का क्या होता है इंस्टिंक्ट, मतलब बेसिकली बी को हम लोग काट देते हैं ऐसे, ए इक्वल टू वन लिख देते हैं। ये करते हैं हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा में, मेट्रिसेस में, बट एक्चुअल में जब हम लोग ये लिखते भी है तो हम लोग मेंटली क्या कर रहे हैं, ए बी को बी से डिवाइड कर रहे हैं और बी को बी से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों साइड को बी से डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को ए इक्वल टू वन मिल रहा है। मेट्रिसेस में क्या होते हैं, आप बी को कब डिवाइड कर रहे हो, एक हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी हो सकते हैं, तीनों वे पॉसिबल है बी को डिवाइड करने का। बट सबसे पहला बात, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, नेवर, क्योंकि ए बी साथ में लिखा हुआ है, मतलब उसको हम लोग ऑलरेडी एक सिंगल मैट्रिक्स बना चुके हैं। ए बी इज ऑलरेडी अ सिंगल मैट्रिक्स, वो इस फॉर्म में नहीं है, ये हट चुका है, सिर्फ ये बचा है, ठीक है। तो अब बीच में तो बी इनवर्स ला ही नहीं सकते, वो ऑप्शन आउट। अब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सो दैट विल बी डायगनल में 1 होना चाहिए हमेशा, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो कभी भी अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो कैसे भी, यहाँ पे खाली दिस इज़ द ओनली केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जब एक मैट्रिक्स अपने अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तभी वो दोनों साइड से सेम आंसर देता है, दैट इज़ द ओनली केस वेर इट इज़ कम्यूटेटिव। और दोनों टाइम आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितना का, ए का जो भी ऑर्डर है, अगर ए 2x2 है तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का ही आंसर देगा, इसका आंसर हमेशा होगा 1001, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे हम लोग 1 लाते थे, यहाँ पे हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लाएंगे, बी को हटाना है अगर तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग बी इनवर्स को ए बी से मल्टीप्लाई किए, अगर बी इनवर्स को ए बी के आगे लगाए तो क्या हो रहा है, बी इनवर्स एक ठो बन जा रहा है, हाँ। और इसमें अगर करेंगे तो फिर बी इंटू बी इनवर्स हो रहा है, ये हम लोग के कोई काम नहीं आएगा क्योंकि इससे हम लोग का कट नहीं पाएगा, तो इसीलिए हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग क्या करें, हम लोग बी के बाद बी इनवर्स लिख रहे हैं, तो आर एच एस में भी बी के बाद ही बी इनवर्स लिखना, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर से। लेकिन अगर कोई और सम करोगे जहाँ पे मान लो ए बी इक्वल टू सी था,
तो फिर इफ़ यू आर डूइंग दिस देन यू हैव टू राइट दिस. हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है. एंड दिस इज ओनली बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. अब इसी इनवर्स वाले चीज़ को यूज़ करके ये निकाल सकते हो आप लोग, ट्राई करो एक बार सब. सिमिलरली अगर कुछ मल्टीप्लाई भी करना है, मान लो अगर इनवर्स नहीं करना है, अगर दोनों को ए बी ए के फॉर्म में लाने, तो यहाँ क्या करोगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे. अगर आप इस तरफ ऐड कर रहे हो मैट्रिक्स को तो इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, और अगर इस तरफ ऐड कर रहे हो तो पोस्ट. तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में हम लोग को पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी ए इज इक्वल टू बी ए. एंड सेकेंड वाले में क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऐसे ही होगा क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को ए ए लिखना पड़ेगा, एंड ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है. ट्राई करो, हो रहा है तो. ऑप्शंस तो किसी का भी आ रहा है कुछ? ऑप्शन सी कैसे, ऑप्शन सी कैसे आ रहा है बताओ भूमिका. बी ए बी ए बी ए बी ए कैसे, ए स्क्वायर इज ए बी ए, वहां तक तो ठीक है, बी कहां से आया एक और. ओ अच्छा, इसकी जगह बी ए बी ए कर दिया, ठीक है. मतलब फर्स्ट स्टेप है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी ए है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ए तो भी बी ए नहीं होगा, इट विल जस्ट बी बी ए, है ना. ए स्क्वायर नहीं, ए हम लोग का यहाँ से, अच्छा ठीक है वैसे करो. ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए बी ए. ओके ठीक है, बी बी ए ये कैसे किया, यहाँ से ये वाला लेके. अच्छा ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, एकदम करेक्ट है. ये एक और क्या वे है,
ये वाला वे अगर हम लोग करें, कोई बोल सकते इसके बाद क्या करना है? सेम थिंग हम लोग बी स्क्वायर के साथ कर सकते हैं। कैसे करेंगे स्टार्ट? बी ए इक्वल टू ए, फिर ये कैसे आएगा? कुछ नहीं है, फर्स्ट वाले में खाली बी मल्टीप्लाई कर दे रहे, प्री मल्टीप्लाई। ए बी इक्वल टू जो बी है उसको प्री मल्टीप्लाई कर दो बी से, तो वी विल गेट बी ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर है सबको? वापस से रिपीट करना है कुछ भी? बोलो किसी को भी रिपीट करना है? सबको समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। किसी को कोफैक्टर्स याद है यहाँ पे? सुना सुना से अच्छा। बाकी लोग को रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ओनली। बताओ पहले, बताओ कोफैक्टर किसका निकलता है? पूरे मैट्रिक्स का एक कोफैक्टर निकलता है या किसी एलिमेंट का निकलता है, किसी रो किसी कॉलम? तो एवरी एलिमेंट हैज इट्स कोफैक्टर। फिर आगे बोलो। अब बोलो अदिति, आई वन टू वन थ्री। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करेंगे? जो टॉपिक नहीं किया अभी तक उसी को इन्वॉल्व कर दिया।
अच्छा, वेक्टर्स में कोफैक्टर, हाँ डिटरमिनेंट्स में क्या रहा हूँ, रुको देखो, हर एलिमेंट के लिए एक कोफैक्टर होता है। अब जब हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं तो हम लोग मैट्रिक्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है, मान लो हम लोग वन का एलिमेंट, वन का कोफैक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो वन इज द माइनर, नहीं वन इज नॉट द माइनर, वन इज द एलिमेंट जिसका हम लोग निकाल रहे हैं, राइट। वन का जो रो है और वन का जो कॉलम है, उसका रिमेनिंग जितना भी एलिमेंट्स है उस पूरे रो का और उस पूरे कॉलम का, वो है यूजलेस पोर्शन, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बचा क्या, ये वाला पार्ट, इनको हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट एरो मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सेकेंड एरो, हाँ इसको बोलते हैं माइनर। ये फोर एलिमेंट्स वाला जो है इसको माइनर बोलते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के। हाँ भूमिका, एफ डॉट वेक्टर्स, उसका लास्ट क्लास ही हम लोग वेक्टर्स किए थे, उसका वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है, आजकल में हो जाना चाहिए, तो आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये हो गया माइनर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनस वन टू द पावर, हर एलिमेंट का एक आई होता है और एक जे होता है। आई क्या होता है, कौन सा रो है, एंड जे इज कौन सा कॉलम है। तो माइनस वन के पावर में डालते हैं आई प्लस जे, मतलब क्या, यहाँ पे वन वन है तो स्क्वायर होगा। सिमिलरली अगर माइनस वन का निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, वन एंड टू, तो माइनस वन टू द पावर थ्री होगा, दैट विल गिव अस अ माइनस साइन। तो ये बेसिकली क्या डिटरमाइन करते हैं कि हम लोग का साइन क्या होगा कोफैक्टर का। दिस पोर्शन डिटरमाइंस द साइन एंड वैल्यू इज माइनर का वैल्यू, और माइनर का वैल्यू इज बचा हुआ एलिमेंट्स को एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में ला के हम लोग वो निकालेंगे, ठीक है। मेरे को निकाल के दो, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। निकालो कोफैक्टर, टू का कोफैक्टर निकालो, थ्री बाकी का निकालो, फाइव का माइनस वन, वन का और थ्री का, सबका ही आ रहा है। यहाँ पे हम लोग को डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि जो माइनर था वो ऑलरेडी एक सिंगल एलिमेंट था, तो इसमें डिटर्मिनेंट निकालने का कुछ नहीं था। अब नेक्स्ट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डिनोटेड बाय ए टू द पावर टी लिख सकते हैं या फिर ए डैश लिख सकते हैं, रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो, वेरी गुड। तो ये वाले ए का ट्रांसपोज क्या होगा, टू और फाइव कॉलम में चला जाएगा, वन और थ्री कॉलम में चला जाएगा, तो ये कॉलम था रो बन गया है, ये रो था कॉलम बन गया है, कुछ नहीं है।
एग्जैक्टली जो रोज है उसको कॉलम बना देना, और जो कॉलम है उसको रोज बना देना। क्या होगा? वेरी गुड, ये हो गया ट्रांसपोज। अब कोई बेटर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स? मतलब अभी तक हम लोग डेटे किए नहीं है और इनवर्स निकालना भी नहीं किया। देखो ए डैश अपॉन मॉड ए, ये फॉर्मूला तो मेरे को कभी भी किया हुआ ध्यान नहीं है। और आर यू श्योर कि ये फॉर्मूला यही है? ये नहीं होना चाहिए, या मतलब डेट ए इनवर्स? मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। ये फॉर्मूला नहीं है, दिस इज द फॉर्मूला। मतलब ये जो भी दोनों में से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बट एनी वे, दूसरा वे ऑफ कैलकुलेटिंग एडजॉइंट इज, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे है, लेकिन कभी कभी इसी से निकालना होता है, क्योंकि ए इनवर्स जब निकालने जाओगे, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स कैसे निकालते थे आप लोग? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करके कैसे निकालते थे? हाँ, भूमिका जो बोल रही है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो मेथड है। तो इसमें घूम के तो हम लोग यहीं आ गए ना कि ए इनवर्स निकालने के लिए भी तो हम लोग को एडजॉइंट निकालना है। तो अगर आप एडजॉइंट निकालने के लिए ए इनवर्स यूज़ कर रहे हो, तो आप एक चक्रव्यूह में फंस जा रहे हो। एक के लिए दूसरा चाहिए और दूसरे के लिए फर्स्ट वाला चाहिए। तो जब ए इनवर्स, अब जब ए इनवर्स नहीं पता है हम लोग को, तब हम लोग कैसे निकालते हैं जॉइंट? या फिर अगर जॉइंट नहीं पता है तो आप लोग ए इनवर्स कैसे निकालते थे? देखो अच्छा, वो वाला जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता था, ठीक है, वो तो अलग ही लेवल का कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। ये देखो कोफैक्टर सब समझ गए कैसे निकालना होता है। हाँ, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे I11 था, उसका कोफैक्टर निकालेंगे।
ये निकालेंगे, कोफैक्टर निकल गया सबका, और फिर इसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा बेसिकली, ये बन जाएगा दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। इसको कॉपी करो जल्दी से और मेको इसका ड्रॉइंग निकाल के बताओ। सबका ये आ रहा है तो क्लियर है जॉइंट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है इनवर्स। फॉर्मूला लिख लो, ट्राई करो, निकल गया कितना है। ठीक है, बाकी लोग सेम
नहीं, तो क्या आ रहा है भूमिका? बात जॉइंट निकालते टाइम ट्रांसपोज किया था। आदि आपका क्या आ रहा है? ट्रांसपोज करना भूल गई तो अच्छा एक सेकेंड। एक सही नहीं सही, वापस बोलो वापस बोलो वापस बोलो। कॉमन क्या लिया पहले ये बताओ। माइनस वन बाय एट कॉमन लिया है तो फिर आपका ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना प्लस वन बाय एट कॉमन लिया है। ठीक है याद रखना प्लीज, ट्रांसपोज करना मत भूलना। ठीक है क्योंकि एमसीक्यू में पक्का एक ऑप्शन होगा जिसमें बिना ट्रांसपोज के रहेंगे, बिकॉज सबसे कॉमन गलती है। तो इसलिए याद दिलाना, जैसी मैट्रिक्स देखे वैसी बोल देना कि अगर इन्वर्स निकालना है या जॉइंट निकालना है तो ट्रांसपोज डेफिनेटली करना है हम लोग को। ठीक है तो इन्वर्स हो गया। अब फाइनली होपफुली कुछ ऐसा जो आप लोग पहले नहीं किए हो। पता है किसी को क्या होता है ये? बिल्कुल नहीं। और सुन लें, नॉट बैड भूमिका आपको। डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो क्या होएगा उससे? उससे क्या होगा? ठीक है रुको रुको, आई विल गिव एन एग्जाम्पल उनकी, इसका रैंक हम लोग निकालेंगे अभी। बोलो आप। कितना आ रहा है का डिटर्मिनेंट? सिक्सटीन आ रहा है, एक बार चेक करो मेरे पास इसका आंसर नहीं है। माइनस वन इंटू 28 इतना साल मैथ्स करने के बाद भी बहुत डर लगता है डिटर्मिनेंट निकालने में। रुको रुको निकाल रहे हैं हम लोग, सब मिलके निकाल रहे हैं। बस देखते जो मैं जो लिख रही हूँ वो सेंस बना रहे कि नहीं। माइनस टू माइनस वन सही लिखा है? हाँ माइनस 30 आएगा ना? हाँ तो माइनस 60 आएगा आंसर। ठीक है निकाल दिया अब भूमिका डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब और अगर इक्वल टू जीरो होता तो कहाँ सीखा? मैम
मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है क्लास 12 में ही पढ़ते हुए, बट ठीक है चलो अच्छा ही है। अब बाकी लोग के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत इजी है। रैंक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो अब टू केसेस आएगा, अरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे टू केसेस में ब्रेक होगा, एक केस होगा इक्वल टू जीरो है और एक केस होगा नॉट इक्वल टू जीरो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो रैंक हो जाएगा थ्री, अगर थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स है। हम लोगों को खाली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालना है और कोई चीज़ का रैंक नहीं निकालना है, तो रैंक थ्री हो जाएगा, ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है। बट अगर इक्वल टू जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, थ्री बाय थ्री का था, हम लोग थ्री बाय थ्री का डिटर्मिनेंट निकालें। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे माइनर्स में शिफ्ट होते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग हर टू बाय टू मेट्रिक्स का निकालेंगे। तो एक ये बनेगा, ये बनेगा, चार ठो टू बाय टू मेट्रिक्स बनेगा, हाँ, चारों का वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू। चारों में से कोई भी एक, जैसे आपको एक मिला माइनर, ये सब माइनर्स है, सब माइनर्स होंगे, है ना, फोर माइनस वन टू, सेवन विल बी माइनस वन का माइनर, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग। तो आपको चाहिए अगर कोई भी माइनर नॉन ज़ीरो हुआ तो क्या करेंगे, अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर हम लोग का रैंक टू आ गया, और अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर रैंक वन है, क्योंकि तब मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ही है जो नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो रैंक होता क्या है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इन अ मैट्रिक्स। इसका एक और फॉर्म होता है इक्लियन फॉर्म, बट वो हम लोग को जानने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंस इट्स एमसीक्यू बेस्ड आपको मेथड स्पेसिफाई नहीं करेगा कभी, एंड दिस वे इज़ एनी वे एनी डे इजियर, क्योंकि दूसरे वे में हम लोग को वही ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के पूरा करना होता है। तो क्या होता है, जितना भी, अगर कोई भी ऐसा ज़ीरो, अगर ऐसा कोई भी रो है जो आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पूरा रो अगर ज़ीरो हो जा रहा है, तो मतलब दिस रो इज डिपेंडेंट। जितना भी आप एलिमेंट्री लगा सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन सब लगा लो, हाँ, ऑर्डर होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करने का, कि पहले ये दोनों को ज़ीरो करते हैं फिर उसको वन करते हैं, ऐसे करके करते हैं हम लोग। लगाने का आप लोग को ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट आई एम सेइंग कि ये रो पूरा ज़ीरो हो गया, मतलब दिस रो वॉज डिपेंडेंट ऑन द अदर टू रोज, वो एकदम हाईली रिलेटेड था बाकी दोनों रो से, इसीलिए इसका सारा वैल्यू ज़ीरो हो गया। अगर एक और रो है जो ज़ीरो हो जा रहा है, तो ये रो भी डिपेंडेंट था, तो बचा क्या, खाली ये रो बचा, विच मीन्स इस मैट्रिक्स का रैंक इज़ वन, क्योंकि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट रो था। अगर सेकेंड रो ज़ीरो ज़ीरो नहीं होता, मान लो बीच में एक वन ही आ जाता, तो क्या होता, रैंक टू, ओके। एंड अगर तीनों रो कभी भी फुल ज़ीरो नहीं होता, देन इट विल बी रैंक थ्री। तो हाईएस्ट रैंक ऑब्वियसली नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकता, एंड लोएस्ट रैंक इज़ वन। हम लोग कभी फोर बाय फोर में डील करते ही नहीं, इट इज़ ओनली टू बाय टू, थ्री बाय थ्री, मतलब टू और थ्री पे ही हम लोग का लिमिट रहते हैं। तो ये चीज़ को कॉपी कर लो, क्योंकि थ्री बाय थ्री में आपको यही मेथड यूज़ करना होगा। एग्जैक्टली, सबसे पहले पूरा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो इक्वल टू ज़ीरो आ गया तब फिर हम लोग माइनर्स चेक करेंगे। वी नीड एनी वन माइनर, हो सकते तीन माइनर ज़ीरो है बट एक नॉन ज़ीरो है। इवन इफ वन माइनर इज़ नॉन ज़ीरो, इफ इज़ नॉन ज़ीरो, देन हम लोग का रैंक इज़ टू।
रैंक का एक और सम ट्राई करो। कॉपी हो गया ये? कॉपी होने से ये वाले मैट्रिक्स का रैंक निकालने का ट्राई करो। आया किसी का? डन, बताओ कितना है। बाकी लोग बोलो। अति आपका भी 2 आ रहे हैं। माइनर माइनस को चेक किया? हाँ। अब कोई भी एक माइनर अगर नॉन ज़ीरो है तो फिर रैंक 2 हो जाएगा। हाँ, और अगर सारा माइनर 0 है तो फिर रैंक 1 है। ठीक है, कोई भी एक माइनर भी नॉन ज़ीरो होने से चल जाएगा। बस ये याद रखो, अगर सारा माइनर भी 0 है तब फिर रैंक 1। ओके, क्लियर है रैंक सबको? चलो,
ये किसका सुनावे? बता दी। डायगनल में माइनस लैम्डा करते हैं, ठीक है। फिर ए एक्स इज इक्वल टू बी इक्वेशन रहती है। अच्छा ठीक है, चलो आई विल एक्सप्लेन। माइनस लैम्डा वाला बात सही बोला। मान लो अगर टर्म मैट्रिक्स है ए, एग्जांपल के लिए लेट अस टेक 2x2 के साथ ही काम करते हैं एक बार। ये एक छोटा मैट्रिक्स है। हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई निकालेंगे और उसका फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई, लैम्डा आई क्या होगा, लैम्डा जीरो जीरो लैम्डा, दिस विल बी लैम्डा आई, क्योंकि ए 2x2 है तो इसलिए आई भी हम लोग 2x2 वाला ही लेंगे ऑब्वियसली। सो दिस इज लैम्डा आई एंड दिस इज ए। तो जो अदिति बोल रही थी कि डायगनल में लैम्डा माइनस करेंगे, एक्चुअल में हम लोग वही कर रहे हैं, क्योंकि ये सब तो ज़ीरो है, दूसरा सारा एलिमेंट ज़ीरो होगा। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो खाली जो डायगनल है जहाँ पे वन रहता है उसमें खाली वन की जगह लैम्डा आ जाएगा सारा। तो एक्चुअल में हम लोग डायगनल में लैम्डा माइनस कर रहे हैं, करेक्ट। फिर क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट बोलो, बस डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट रो के हिसाब से निकाल रहे हैं तो पहले हम लोग 2 माइनस लैम्डा को रखेंगे और फिर इसका जो माइनर है उसको लिखेंगे। तो इसका माइनर क्या है, खाली 5 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस साइन देंगे, एक ठो माइनस 1 को रखेंगे और 2 इसका माइनर है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे जो निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो क्या आ रहा है, सबका ये आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये तो आ गया डेट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, इसको क्या करते हैं हम लोग, इक्वेट करते हैं विद जीरो एंड देन वी सॉल्व फॉर लैम्डा। और लैम्डा का जो वैल्यूज आएगा दैट विल बी आ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज। आइगन वेक्टर्स हम लोग को ए सेट में करने का ज़रूरत नहीं है, बट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड आइगन वैल्यूज आर वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ए सेट का मैट्रिसेस। बताओ कितना आ रहा है लैम्डा, और फिर एक सम खुद से करो। 3.4। दोनों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों निकाल रहे हैं, दोनों से निकालना होगा।
नहीं जा रहा हूँ, जरूरत नहीं है। आज वो मनन घर आ रहे हैं, मनन घर आ रहा है आज। माइक ऑफ है। आया किसी का? फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब सिर्फ लैम्डा का वैल्यू ही तो चाहिए हम लोग को, वही तो आंसर है लैम्डा का वैल्यू। हाउ कैन वी यूज़ द गिवन इक्वेशन इन आर सोल्यूशन? अच्छा बताओ अभी तक क्या आया, बताओ। सबसे पहला स्टेप है माइनस करो दो लैम्डा पूरे डायगनल में, ये आ रहा है। अब इसका डेट निकालना है हम लोग को, करेक्ट? डेट ऑफ बी माइनस लैम्डा ही करेंगे क्योंकि, तो इसका डेट निकालेंगे तो क्या आएगा, टू माइनस लैम्डा को रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे
वन माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस वन, बाहर में माइनस लो, माइनस थ्री, माइनस टू को बाहर रखेंगे, माइनस हाँ प्लस टू इंटू हाँ, फिर हम लोग थ्री रखेंगे, थ्री माइनस एक सेकेंड, ओ हाँ 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 खाली ये वाला लैम्डा का टर्म ये वाला हट जाएगा, खाली माइनस वन ये आएगा। इसको एक्सपैंड करेंगे तो आना चाहिए ये वाला चीज़, आई थिंक कर उसका नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव भी आ रहा है तो हमने एंड ऑफ द डे तो ज़ीरो से इक्वेट कर रहे हैं ना, तो आप ठीक है। तो ये क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो वन माइनस लैम्डा स्क्वायर फोर टू ज़ार एट माइनस एट आएगा, ये प्लस फोर लैम्डा होगा, माइनस फोर माइनस टू लैम्डा प्लस सिक्स प्लस थ्री लैम्डा, ये गया लैम्डा स्क्वायर में ये है, और फोर लैम्डा टू लैम्डा फाइव लैम्डा, और ये माइनस एट माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स, तो माइनस सिक्स का प्लस सिक्स हो जाएगा, तो ये आ रहा है। अब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ, तो क्योंकि हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सीखे, इसलिए दे गेव अस दिस इंफॉर्मेशन। तो अब हम लोग एल एच एस पे सीधा ये लिख सकते हैं, लैम्डा माइनस वन इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, करेक्ट। तो एक अंदर वाले को मिड टर्म ब्रेक करेंगे, क्या आएगा अंदर वाला मिड टर्म ब्रेक करके, लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू ये आएगा ना, तो लैम्डा का क्या वैल्यूज आएगा, वन थ्री माइनस टू, इस स्टेप में हम लोग यूज कर रहे हैं गिवन इक्वेशन। क्लियर है भूमिका, समझ में आया कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं गिवन इक्वेशन। अति आपका आया तो क्लियर है, आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक रूट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है, उसके पहले जितना भी हम लोग बेसिक्स किए सब कुछ, एडजॉइंट इनवर्स, ठीक है। देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। हाँ, अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आएगा वो टू टाइप का हो सकता है, एक है कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया, अगर अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू सीधा ज़ीरो आ गया, अगर एक एग्जांपल हम लोग ले, रुको एक और एग्जांपल के थ्रू करते हैं, जैसे मैंने जो सम दिया था उसी में ज़ीरो आ रहा था, है ना, आप लोग खुद से जो किए थे उसमें ज़ीरो आ रहा था,
ये डिटर्मिनेंट दिया था, ये मैट्रिक्स दिया था, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 4 5 20 6 2 12 -2, 5 -4 +3 6 -8, 20 -12 -8, 5 -4 6 -8, 0 आ रहा है? नहीं नहीं ये वाले का -60 थोड़ी आ रहा था, ये -60 तो एकदम फर्स्ट वाले का आ रहा था, है ना? इसका 0 ही आएगा, नहीं, हाँ इसका 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, देखो 0 आया इसका। तो क्या होगा, 0 आ गया इसका मतलब यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, 3 by 3 के साथ डील कर रहे थे। तो एक 3 by 3 मैट्रिक्स का रैंक या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये 3 ऑप्शन हैं हम लोग के पास रैंक का, क्योंकि लोएस्ट 1 होते हैं एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रोज होते हैं, एंड हम लोग के केस में हमेशा 3 होगा हाईएस्ट नंबर ऑफ रोज। तो 3 नहीं है रैंक, क्यों? क्योंकि जब हम लोग 3 by 3 का डिटर्मिनेंट्स निकाले तो वो 0 आया। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वी विल डील विद 2 by 2 का मैट्रिसेस। अब वो 2 by 2 का मैट्रिसेस कैसे आएगा, हम लोग को इसमें से ही निकालना होगा। तो इसमें से जब निकालेंगे तो क्या आएगा, एक मैट्रिक्स ये बनेगा 1 2 1 4, इसका मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट बोलो कितना आएगा, 4 -2, नॉन ज़ीरो है, हाँ। तो इसलिए जब हम लोग 2 by 2 के साथ जैसे ही डील किए, हम लोग का आंसर नॉन ज़ीरो आ गया, इसीलिए हम लोग बोले कि इसका रैंक इज़ 2। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हर स्टेप पे हम लोग देख रहे हैं ज़ीरो है कि नॉन ज़ीरो है। अगर 0 है देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। हम लोग 3 by 3 से स्टार्ट करते हैं, 0 आने से हम लोग 2 by 2 पे जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करें, हम लोग 0 का, जितनी बार 0 आ रहा है उतनी बार हम लोग का एम है कि हम लोग को नॉन ज़ीरो चाहिए, क्योंकि अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो डिपेंडेंट है, अभी भी डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे 0 नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, 2 by 2 चेक करेंगे। जैसे हम लोग को एक ठो भी 2 by 2 मिला जो नॉन ज़ीरो है तो क्या होगा, अगर नॉन ज़ीरो है तो फिर रैंक 2 है, क्योंकि हम लोग को मिल गया नॉन ज़ीरो। और अगर 0 है तो मतलब हम लोग को अब 1 by 1 पे उतरना होगा, क्योंकि 2 by 2 से भी हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, हम लोग को नॉन ज़ीरो नहीं मिला। तो इसीलिए अगर 0 है मतलब 1 by 1 तो पता ही है, 1 by 1 तो 5 ही है, वो पता है नॉन ज़ीरो है, 5 है, 2 है, किसी भी एलिमेंट को ले लो, दैट इज़ ओनली 1 by 1। तो इसीलिए रैंक बिकम्स 1। और यहाँ पे जैसे ही नॉट ज़ीरो फर्स्ट स्टेप में आ गया तो रैंक 3 है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या होगा, कभी भी रैंक निकालने आएगा तो सबसे पहले 3 by 3 का डिटर्मिनेंट निकालना, अगर वो नॉन ज़ीरो आ गया तो सीधा 3 है, अगर वो 0 आया तो फिर एक 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 करके हर एक माइनर को उठाना, हो सकता है फर्स्ट वाला 0 आ जाए, यू हैव टू चेक द सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, ओके, क्लियर है सबको? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं एंड करते हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।